हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रॉबिन रेडब्रेस्ट, जो कि एक पोएम है और इस पोएम को लिखा गया है विलियम एलन हैम के द्वारा, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने इस पोएम को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस पोएम के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर बताना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ए सेक्शन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गुड बाय टू डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड बाय टू समर। क्वेश्चन नंबर टू, एज समर इज़ नियरली डन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एज समर इज नियरली डन। द डैश आर साइलेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री, द डैश आर साइलेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा द थ्रसेस आर साइलेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, द डैश हैव फ्लोन अवे, द डैश हैव फ्लोन अवे, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्वालोज हैव फ्लोन अवे। क्वेश्चन नंबर फाइव, द डैश इज हियर, द रॉबिन इज हियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, The trees will soon turn into dash. The trees will soon turn into ghosts. Now we have section B. And the first question we have in section B is, why is the garden smiling? Why is the garden smiling? Answer, the garden is smiling because summer is end. The garden is smiling because summer is end. Question number two, how has the speaker described the leaves? How has the speaker described the leaves? Answer, the speaker has described the leaves being in different colors like bright yellow, red and orange. He says that leaves come down from the trees to host the autumn and singing of robin. Now we have question number three, why would the trees turn to ghosts? Why would the trees turn to ghosts? Answer, when all the leaves fall down from the trees, then they will look like ghosts. When all the leaves fall down from the trees, then they will look like ghosts. Question number four, which season follows summer? Which season follows summer? Answer, the seasons that comes, यहाँ पे होना चाहिए था, the season that comes after summer is fall, also known as autumn, तो summer के बाद autumn का season आता है। Question number five, what happens during dark dead winter? What happens during dark dead winter? Answer, trembling night winds whistle and moan all around the houses, all the paths are like frosty iron and branches are covered with snow. Now we have section C. Answer these questions with reference to the context. And we have given a stanza from the poem. And the stanza is, our thrushes now are silent, our swallows flown away, but robin is here in coat of brown with ruddy breast not gay. Question number A, पिक आउट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टेंजा, तो ऊपर जो स्टेंजा दिया गया है उसमें से दो ऐसे वर्ड को चूज़ करने हैं जो कि राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवे और गे राइम कर रहे हैं। राइम वर्ड्स उनको कहा जाता है जिनका साउंड एक जैसा लगता है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लाइन देखो साइलेंट और थर्ड लाइन देखो ब्राउन, तो ये राइम नहीं कर रहे क्योंकि साइलेंट का अलग साउंड आ रहा है और ब्राउन का अलग साउंड आ रहा है, लेकिन अगर आप सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन को देखते हो तो यहाँ पे अवे और गे जो है वो राइम कर रहे हैं। तो राइम स्कीम हम लोग तब देखते हैं जब किसी भी स्टेंजा, कोई भी स्टेंजा दिया गया होता है और उसके लास्ट वर्ड को पढ़ा जाता है, और अगर वो साउंड्स सेम प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हीं को हम लोग राइम स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवे और गे। क्वेश्चन नंबर बी, विच थ्री बर्ड्स आर मेंशनड इन द स्टेंजा, स्टेंजा में कौन से तीन पंछियों के नाम बताए गए हैं? सो द आंसर इज थ्रसेस, स्वालोज एंड रॉबिन।
Question number C. According to the speaker, what are the three birds doing? स्पीकर के अनुसार तीनों पंछियां क्या कर रही हैं? आंसर, थ्रसेस इज साइलेंट, स्वालोज हैज फ्लोन अवे एंड रॉबिन इज स्टिल हेयर इन द गार्डन विद अ रेड कलर ब्रेस्ट नॉट. नाउ वी हैव सेकंड स्टेंजा गिवन इन द सी सेक्शन एंड द स्टेंजा इज एज रॉबिन रॉबिन रेड ब्रेस्ट ओ रॉबिन डियर एंड व्हाट विल दिस पुअर रॉबिन डू फॉर पिंचिंग टाइम्स आर नियर. Question number A. What do you understand by red breast? What do you understand by red breast? Answer. A bird such as a robin whose breast color is red, like it is wearing a red color breast knot. Question number B. Why does the speaker call the robin poor? Why does the speaker call the robin poor? Answer. Because the winter is about to come. And this is very hard time for robin to survive as it has no shelter to stay in. Shelter means कहने का मतलब होता है रहने का जगह. तो यहाँ पे स्पीकर रॉबिन को पुअर बेचारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन आने वाला है, ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड का मौसम रॉबिन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है सर्वाइव करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो उसके पास कोई भी रहने का जगह शरण नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट डज पिंचिंग टाइम्स आर नियर मींस? पिंचिंग टाइम्स करीब है, इसका क्या मतलब है? आंसर, इट मींस द हार्ड टाइम्स विंटर इज नियर. इसका मतलब है कि मुश्किल भरा समय जो कि विंटर है वो करीब है, वो पास है. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर. वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.